सावन में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जरा सी लापरवाही किसी की जान पर पड़ सकती है। ऐसा ही हुआ झज्जर में। दरअसल गांव बापड़ोदा के पास डाक कांवड़ की पिकअप गाड़ी अचानक डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से करीब 4 से 5 कांवड़िये घायल हो गए। इसी हादसे में एक कांवड़ी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान झज्जर के गांव भदानी के रहने वाले 24 वर्षीय साहिल के रूप में हुई है। साहिल गांव की डाक कांवड़ में शामिल होकर 29 तारीख को हरिद्वार गया था और 1 तारीख को हरिद्वार से डाक कांवड़ उठाकर अपने गांव भदानी वापस आ रहा था। परिवार में साहिल इकलौता कमाने वाला था और खेती बाड़ी का काम करता था। साहिल के पिता की करीब 6 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उसकी एक बड़ी बहन भी है। जानकारी देते हुए ASI मंजीत ने बताया कि हादसे में 2-3 कांवड़ियां घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के चचेरे भाई सोमवीर के बयान पर पिकअप गाड़ी चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर झज्जर के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों के हवाले किया गया है। ये जी बच्चे कांवड़ लेने के लिए गए हुए थे, जो आज आ रहे थे पिकअप वाला गाड़ी में, तो अपने बापड़ोदा बाईपास के पास में जी गाड़ी जो है डिवाइडर सेट करा गई, तो उसमें भाई ड्राइवर के लापरवाही मानो कुछ मानो उसमें, तो वो ऊपर से गिर गए और भाई एक बच्चे की चोट लगी यहाँ पर और एक भी एक्सपायर हो गया और 2-3 बच्चे इंजर्ड भी है। जो एक्सपायर हुआ है क्या नाम है, कहाँ का? इनका नाम है जी साहिल सनो पवन कुमार, गाँव इनका बदाणी जैसवाल। किसके बयान पे कार्रवाई हुई? ये भाई सोमवीर के बयान पे पोस्टमार्टम करा दी। हाँ पोस्टमार्टम भेज रखा जी, अभी करने वाले। तो दूसरा घायल है उसका कहना है? दूसरा एक साहिल लड़का है, दूसरा भी एक विनोद लड़का है, उनको भी चोटें लगी। वो कहाँ एडमिट है? वो शायद ये ऑक्सवाड़ी। ठीक, और किस गांव के हैं? मृतक की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया है। आरोपी पिकअप गाड़ी के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।